हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 की विज्ञान की, और आज की टॉपिक है प्रिज्म, और साथ साथ में हम पढ़ेंगे प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। तो इन सभी क्लासों को अध्ययन करने से पहले या इन सभी टॉपिकों का चर्चा करने से पहले, यदि आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रिज्म क्या होता है। आखिर प्रिज्म है क्या? तो जो चीजें हमने बना के रखा है, हो सकता है कि आज आपने ये पहली बार देख रहे होंगे कि सर ने ऐसा प्रिज्म बनाया। तो भैया सबसे पहले मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि प्रिज्म की कोई आकृति निश्चित नहीं है, कोई आकार निश्चित नहीं है। प्रिज्म आप चाहे जैसा बना लो, ऐसा नहीं कि उसके पास हम लोगों के जैसा दो हाथ दो पैर ही होगा, चाहे जो जैसा बन जाए। अब उसकी खास बात क्या होती है वो समझना है, ऐसा समझिए। देखिए भैया प्रिज्म क्या होता है, कांच के दो पृष्ठ ले लीजिएगा। अब देखिए जैसे ये मार्कर एक पृष्ठ हो गया और ये वाला मार्कर दूसरा पृष्ठ हो गया, ठीक। कांच के दो पृष्ठ एक कोण पर झुक जाए, कांच के दो पृष्ठ किसी कोण पर क्या हो जाए, झुक जाए। भैया यहां कोण बन गया, नहीं बना। देखिए कांच के दो पृष्ठ किसी भी एक कोण पे झुक जाए तो उनके बीच में जो घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है उसी को प्रिज्म कहते हैं। आइए हम समझाते हैं। आपने कांच का एक पृष्ठ ये ले लिया और ये एक पृष्ठ ले लिया, अभी ये किसी कोण पे झुके नहीं है तो ये प्रिज्म नहीं कहलाएगा, परंतु यही जो पृष्ठ है वो पृष्ठ किसी कोण पर क्या हो जाए, झुक जाए। किसी कोण पे झुक जाए तो बीच में इन दोनों पृष्ठों के बीच में ये जो घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम है, ये जो घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम है, इसी माध्यम को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, PRISM यानी प्रिज्म कहते हैं। क्या बात इतनी क्लियर हो गई? कांच के दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो प्यारे बच्चों यही होता है प्रिज्म। आपको प्रिज्म की परिभाषा यहां स्क्रीन पे लिख के दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे प्रिज्म के भाग की। किसके बात करेंगे? प्रिज्म के भाग की, अर्थात प्रिज्म में कौन कौन सी ऐसी भाग आते हैं जिनको हमको समझना होगा, और आगे अगर ये चीज आप समझ लेते हैं तो आपको आगे की क्लासेस सरल हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम अपवर्तक कोण। भाई नाम सुने थे प्रिज्म कोण, तो जो प्रिज्म कोण होता है वही अपवर्तक कोण भी होता है। प्रिज्म कोण को ही अपवर्तक कोण के नाम से जानते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब समझिए आखिर अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते किसे हैं? यही कांच के दो पृष्ठ है, यही है ना कांच के दो पृष्ठ, कांच के दो पृष्ठों से घिरा हुआ। तो भैया कांच के दो पृष्ठ जिस कोण पे झुके होते हैं, वही कोण ही प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहलाता है। अभी हमने ऐसे बनाया था, कांच के ये पृष्ठ हो गया, ये कांच का दूसरा पृष्ठ हो गया, तो कांच के दो पृष्ठों के बीच बना हुआ जो एंगल होता है इसी एंगल को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या ये बात आपकी क्लियर हुई? क्या मैंने बताया कांच के दो पृष्ठों से घिरा हुआ या कांच के दो पृष्ठों के बीच बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है, जिसे हम अपवर्तक कोण भी कहते हैं, और अधिकतर इसे हम कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी? अब प्रिज्म कोण की भी परिभाषा आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं या आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों यहां पर प्रिज्म कोण की परिभाषा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं, अब आप जान गए प्रिज्म कोण क्या होता है और प्रिज्म क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं इस पृष्ठ की, अपवर्तक पृष्ठ की। किस पृष्ठ की बात कर रहे हैं? अपवर्तक पृष्ठ की।
किसकी बात करने वाले हैं? अपवर्तक पृष्ठ। तो ध्यान से समझिएगा अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है। अब हमने समझ लिया कि कांच के दो पृष्ठों से घिरा हुआ ये जो पारदर्शी माध्यम होता है, इसी को ही तो हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। और इनके बीच जो बना कोण होता है, इसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण ए। अब हम समझेंगे अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ, अब सोचिए जरा सा अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है। जिन पृष्ठों पे या जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिन पृष्ठों से प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है? अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। कैसे? अब सोचिए, जब प्रकाश किरणें इस पृष्ठ पे पड़ेंगी तो इस पृष्ठ पे पड़ने के बाद वो अपने मार्ग से क्या हो जाएंगी? विचलित हो जाएंगी। और जैसे ही विचलित हुआ वैसे ही वहां अपवर्तन हो गया, उसी को ही तो हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। यानी जिन पृष्ठों से प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है उसे ही हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? आप जान गए अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है। ठीक, अगर आप समझ गए अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, तो यहां देखिए अपवर्तक पृष्ठ आपका ए बी है और ए सी भी है, क्योंकि इन्हीं दोनों पृष्ठों से प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो आप अपवर्तक पृष्ठ की डिफिनेशन भी आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक, आप नोट कर सकते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे अपवर्तक कोण। किसकी चर्चा करेंगे? अपवर्तक कोण। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, यही चीज आपको समझना है आखिर अपवर्तक कोण क्या होता है। इधर देखिए, ये प्रिज्म के जो दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठ ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठ ए बी और ए सी, जब ये दोनों जिस कोण पे झुकते हैं या इन दोनों कोणों, इन दोनों पृष्ठों के जिस कटान बिंदु, यानी ये दोनों पृष्ठ जिस बिंदु पे मिलते हैं वहां पर एक कोर बन जाता है। प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये कोर बना है, इसी को हम कहते हैं अपवर्तक कोर, या हम उसी को समझने के लिए यहां बिंदु डी समझ सकते हैं, या ये अपवर्तक कोर होता है। ये जो लाइन खींची गई है ये अपवर्तक कोर है। क्यों? क्योंकि इसी के, इन्हीं के कोर से ही खींची गई ये रेखा है अपवर्तक कोर। एक बार फिर से समझिएगा, एक बार अपवर्तक कोर को आप फिर से समझ लो। अपवर्तक कोर होता है अपवर्तक पृष्ठ के, अपवर्तक पृष्ठ जहां पर मिलते हैं वहां पर एक कोर बन जाता है, उसे ही अपवर्तक कोर कहते हैं। ऐसा समझिए कि ये प्रिज्म के दो पृष्ठ हो गए, ये प्रिज्म के दो पृष्ठ हो गए। अब ये दोनों पृष्ठ जब मिलेंगे तो यहां दोनों पृष्ठों के बीच एक कोर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक कोर बन जाएगा। वही कोर ही क्या कहलाता है? अपवर्तक कोर कहलाता है। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो रही होंगी? तो अब आपको अपवर्तक कोर की भी परिभाषा स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही होगी, आप वहां से नोट कर सकते हैं, या जो हम बोल रहे हैं आप उसको भी सुनकर कॉपी कर सकते हैं। अब हम बातें करेंगे लास्ट टॉपिक की, प्रिज्म का आधार क्या होता है। प्रिज्म का आधार क्या होता है, हम बात कर लें प्रिज्म का आधार क्या होता है। आइए, अब देखिए, प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठ जिसके सहारे रखे जाते होंगे, जिसके सहारे खड़े होते होंगे, वही क्या कहलाता है? प्रिज्म का आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म का आधार कहलाता है। या दूसरी परिभाषा भी हम बता सकते हैं यहां पर। दूसरी परिभाषा क्या होती है कि कोर के सामने वाली भुजा प्रिज्म का आधार कहलाता है। यानी अपवर्तक कोर के सामने की भुजा, अपवर्तक कोर के सामने की भुजा प्रिज्म का आधार कहलाता है। यानी आधार आपका ये भी हो सकता है, ये भी आप यहां बता सकते हैं। बात समझ में आई? इतनी बातें आपको समझ में आई? अब एक बार हम लोग फिर से समझ लेंगे, फिर आगे की टॉपिक पढ़ लेंगे। सबसे पहले अगर हम चर्चा करेंगे प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म मैंने बताया
कांच का दो पृष्ठ ले लें और कांच के दो पृष्ठों को किसी एक कोण पे झुका दें, कांच के दो पृष्ठों पर किसी एक कोण पे झुका दें, तो उनके बीच जो पारदर्शी माध्यम बनता है, ये बीच में जो पारदर्शी माध्यम नहीं बन रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। और ये दो, अब प्रिज्म के भाग की चर्चा कर लेते हैं। प्रिज्म के मुख्य भाग ये हैं कि सबसे पहले हम अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है। अपवर्तक पृष्ठ, जिन पृष्ठों से प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, अर्थात प्रकाश किरणें उनसे अपवर्तित हो जाएंगी, वो अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। अपवर्तक पृष्ठ यहां ए बी और ए सी है। अब ये अपवर्तक पृष्ठ जब एक दूसरे से मिलते हैं तो बीच में एंगल बन जाता है, उसे हम अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं, अधिकतर इसे कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। अब अपवर्तक कोण क्या होता है, ये दो अपवर्तक पृष्ठ जिस बिंदु पे मिलते हैं वहां एक कोर का निर्माण होता है, उसे हम अपवर्तक कोण कहते हैं, कोर कहते हैं, कोर नहीं, कोर कहते हैं। फिर प्रिज्म का आधार क्या होता है, अपवर्तक कोर के सामने वाली जो भुजा होती है वो प्रिज्म का आधार कहलाता है, या दूसरे वर्डों में बात करें कि प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठ जिसके सहारे खड़े होते हैं वही प्रिज्म का क्या कहलाता, आधार कहलाता है। ठीक, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारी परिभाषाएं आपको लिखा लिखा मिल गई होंगी, आप वहां से नोट कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। तो गाइस हम बात करते हैं प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रिज्म हम लोगों ने देख लिया कि प्रिज्म आखिर क्या होता है, अब हम समझेंगे प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, हमने उसके लिए डायग्राम आपको बना के रखा, यही प्रोसेस प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब कैसे आपको परिभाषित करना है, कैसे आपको समझना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, ये कोई एक श्वेत प्रकाश है। अब आप कहेंगे श्वेत प्रकाश क्या होता है, अरे भाई सूर्य का प्रकाश, ठीक, ये कोई श्वेत प्रकाश। तो ध्यान से समझिएगा कि जब कोई श्वेत प्रकाश, या हम कहते कि जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म के पहले पृष्ठ पर आपतित होता है, जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होता है यानी पड़ता है, ध्यान से, जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होता है तो इधर का माध्यम विरल होता है, बाहर की जो माध्यम होता है विरल होता है, अंदर का माध्यम जो होता है वो सघन होता है। अब हमने पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जब प्रकाश किरणें विरल से सघन में जाती हैं तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हमने आपको बताया था कि जब प्रकाश किरण विरल से किस में जाए, विरल से जब सघन में जाती है तो इसका जो रिजल्ट आता है वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। क्या ये चीज आपको याद आ रही होगी, बिल्कुल याद आना चाहिए, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। और जब यही प्रोसेस सघन से विरल में जाए, किससे जाए, सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वो रिजल्ट आता है कि अभिलंब से दूर हट जाती है, क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या ये बात याद आ रही है आपको, क्या ये प्रोसेस आपको याद आ रहा है। तो जब ये चीज आपको याद होगा प्यारे बच्चों तो वो भी चीज आपको समझने में जरा सा भी दिक्कतें नहीं आएंगी। अब देखिए क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण PQ, यहां PQ कोई प्रकाश किरण है, देख लीजिए यहां Q मैंने बना के रखा है, जब कोई प्रकाश किरण PQ प्रिज्म के पहले पृष्ठ AB पर पड़ती है, AB पर पड़ती है, पड़ने के पश्चात वो अभिलंब, यहां मान लेते हैं N और यहां मान लेते हैं N डैश, तो अभिलंब NU से NU की ओर झुकते हुए प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ पर पहुंच जाती है। आइए, हाँ यहां पर थोड़ा सा आपको दिक्कतें हो रही होंगी, हम इसको अलग से समझ लेते हैं। ये आपका प्रिज्म है, जब कोई प्रकाश किरण PQ, ये देखिए ये P और Q हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये A और B है, A है, B है, C है, देखिए, जब कोई प्रकाश किरण PQ प्रिज्म के पहले पृष्ठ AB पर आपतित होती है, आपतित होने के पश्चात बाहर का माध्यम विरल रहता है, अंदर का माध्यम क्या रहता है, सघन रहता है, और जैसे ही ये विरल से सघन में प्रवेश करेगी
तो ये खींचे गए जो अभिलंब होते हैं अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये अभिलंब की ओर झुकते हुए प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ पर पहुंचती है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी? ये आपका अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक गई ना, इनको तो जाना ऐसे चाहिए था, वास्तविक मार्ग इनका इधर था, परंतु ये अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। तो अभिलंब की ओर झुकते हुए दूसरे पृष्ठ एसी पर पहुंचती है। अब जब ये एसी पृष्ठ से निकलने लगती है तो अंदर का माध्यम सघन रहता है और बाहर का माध्यम क्या रहता है, विरल होता है। अब यहां पर अगर हम एक लंब खींच दें, यहां पर एक अभिलंब खींच दें प्यारे बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उस बात को आप ध्यान दीजिएगा जरा सा, कि जब प्रकाश किरणें प्रिज्म से बाहर निकलने लगती है, अर्थात प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ एसी से बाहर निकलने लगती है, तो वो सघन से विरल में जाती है, इसलिए वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, वो प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं, अभिलंब से दूर हट जाती हैं। अब देखिए ये आपका अभिलंब हो गया, इस अभिलंब से ये क्या हो गई, दूर हट गई। यही चीज, यही घटना प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही होंगी? चलिए अब इनका हम नाम दे देते हैं। इस किरण का नाम आर और एस हो गया, इसको हम कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं, इसे हम निर्गत किरण कहते हैं, और इस पी क्यू को कहते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण कहते हैं, आपतित किरण। अब आपके मन में विचार हो रहा होगा कि आखिर आपतित किरण क्या होता है, भैया प्रिज्म के पृष्ठ पे पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है, और प्राप्त होने वाली किरण, मिलने वाली किरण निर्गत किरण कहलाता है। क्या प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन आप समझ पा रहे हैं? अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। फिलहाल एक बार मैं अपनी तरफ से फिर से प्रयास करता हूं कि सभी बच्चों को प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन आ जाए। ध्यान से देखिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित तो होती है, जब कोई प्रकाश किरण पी क्यू प्रिज्म के पहले पृष्ठ पर आपतित तो होती है, तो आपतित तो होने के पश्चात वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुकते हुए, क्योंकि देखिए ये अभिलंब था, तो ये अभिलंब की ओर झुकते हुए प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ पर पहुंचती है, और दूसरे पृष्ठ पे पहुंचने के बाद वो अभिलंब से दूर हटती हुई निर्गत किरण आर एस प्राप्त हो जाता है। यह घटना प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आने वाली किरण को आपतित किरण और प्राप्त होने वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही होगी प्यारे बच्चों? अगर इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई तो वही सेम टू सेम चीज हम वहां पर लिखेंगे। अब हम उसको मूव कर रहे हैं और इस चित्र के माध्यम से उसको समझते हैं। तो गाइस जो आपने समझा था वो सारी चीजें हमने वहां पर लिख दिया है। क्या लिखा गया है कि जब कोई प्रकाश किरण पी क्यू प्रिज्म के पहले पृष्ठ ए बी पर आपतित होता है, अर्थात पड़ता है, जब कोई प्रकाश किरण पी क्यू प्रिज्म के ए बी पृष्ठ पे आपतित होता है, पड़ता है, तो वह अभिलंब की ओर झुकते हुए, तो वह अभिलंब देखिए एन यू की ओर झुकते हुए प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ पर पहुंचती है, तथा वहां अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हटते हुए, तो अभिलंब आपकी कौन है प्यारे बच्चों, यही है ना अभिलंब आपकी, ये है ना अभिलंब, तो अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। तो अभिलंब से दूर हटते हुए निर्गत किरण आर्यस प्राप्त होता है। यह घटना प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब एक जानकारी ये ले लीजिए कि आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाने पर, आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर, आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर, दोनों जहां काटते हैं वहां पर एक एंगल बन जाता है, उसे हम विचलन कोण कहते हैं। वही चीज यहां पर लिखा गया है, आपतित किरण तथा निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु पर, यानी जहां काटते हैं उसे प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं, दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु पर एक कोण बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विचलन
कोण कहते हैं, इसे हम डेल से व्यक्त करते हैं। ये जो प्रतीक हमने बना के रखा है यहां पर, इसको हम बाहर की तरफ दिखा दे रहे हैं, ये है डेल, और इसे हम लोग कहते हैं डेल से व्यक्त, डेल हिंदी में। ध्यान दीजिएगा, ये विचलन कोण होता है, और विचलन कोण जो होता है एक बहिष्कोण होता है, और बहिष्कोण क्या होता है, त्रिभुज के बाएं भुजा पर बना कोण अंतः दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान देंगे कि विचलन कोण एक प्रकार का बहिष्कोण होता है। तो ये रहा प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्धन। और कुछ चीजें समझ लेते हैं। यहां पर हमने पढ़ा है कि जो आपतित किरण होती है और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। तो देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो ये आई है, ये यहां पर बना हुआ। अब उसके बाद हमने पढ़ा है कि अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, तो देखिए अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण आ रहा है, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। परंतु अगर कोई प्रकाश किरण, अगर कोई प्रकाश किरण इधर से आपतित ना हो, अगर इधर से आपतित हो, तो आपतन कोण आपका आई डैश ये हो जाता है, और अपवर्तन कोण उस समय आर डैश आपका ये हो जाएगा। तब आपतित किरण ये हो जाएगी, अभिलंब ये हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा अपवर्तन कोण। तो यहाँ आई डैश आपतन कोण है, यहाँ आर डैश क्या अपवर्तन कोण है। इस प्रकार आपका प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आई होप कि आज की वीडियो में कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको कहीं भी समस्या नहीं हुआ होगा। प्यारे बच्चों, यदि कहीं कोई भी किसी प्रकार का डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेशन में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।